They've gone their separate ways. They'll come back. 'Cause we'll need them to. Oh, yeah. गाइज एमसीयू का फेज वन और फेज टू तो शानदार रहा ही, और अब फेज थ्री भी अगले साल आ रही एवेंजर्स 4 पे खत्म होने जा रहा है, और अब फैंस वेट कर रहे हैं फेज 4 का। बट जिस तरह से फेज वन और फेज टू उतना सक्सेसफुल रहा और फेज थ्री भी इतना सक्सेसफुल जा रहा है, तो क्या वैसे ही फेज 4 भी इतना सक्सेसफुल और पॉपुलर होगा या नहीं, यही सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम की चिंता किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज़ वन की। गाइस फेज़ वन 2008 में ही आयरन मैन से स्टार्ट हुआ और 2012 के द अवेंजर पर ख़त्म हुआ, और इन्हीं 5 ईयर्स के बीच हमें 3 कोर अवेंजर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिली, जिसे एक परफेक्ट ओरिजिन स्टोरी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन कोर अवेंजर की ओरिजिन स्टोरी को इतने परफेक्ट तरीके से दिखाया गया था, जिसकी वजह से हमें इन सुपरहीरोज की हर साइड देखने को मिली, और यही सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से आज हर मार्वल फैंस की फेवरेट लिस्ट में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर सबसे पहले आते हैं और बाकी सारे सुपर हीरो बाद में। इसलिए जब भी अवेंजर 4 में इन सुपर हीरोज की डेथ को लेकर कोई न्यूज आती है तब फैंस का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अब अगर मैं फेज 2 और फेज 3 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर की बात करूं तो इनकी ओरिजिन स्टोरी में हम फैंस इन सुपर हीरो से इतने कनेक्ट नहीं हो पाए थे जितना हम अपने फेज वन के कोर अवेंजर से हुए थे। और रही बात स्पाइडी की, तो स्पाइडरमैन का करेक्टर शुरू से ही हमारे फैंस के दिलों पर राज करता आ रहा है, इसलिए हम एमसीयू के टीनेज स्पाइडी से इतना कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब अगर मैं अपनी अब तक की करी हुई बकवास की बात करूं तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि स्क्रिप्ट चाहे जितनी अच्छी हो या मूवी चाहे जितनी अच्छी बने, बड़े कनेक्शन ही ऐसी चीज़ होती है जो फैंस को एक सुपर हीरो से या किसी भी तरह के करेक्टर से जोड़ के रखती है, और इसी कनेक्शन की वजह से अपने फेवरेट सुपर हीरो को भुलाना या उसकी मूवी में डेथ होते हुए देखना मुश्किल ही नहीं, हार्ट टचिंग भी होता है, और यही चीज़ हम लोगन मूवी में भी देख चुके हैं। अब अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे हिसाब से एमसीयू के इतने सक्सेसफुल और पॉपुलर होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है हम फैंस का आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे ग्रेट सुपर हीरोज के साथ कनेक्शन। और मैं होप करता हूं कि हमें ऐसे ग्रेट सुपर हीरोज फेज 4 में भी देखने को मिले और उसके साथ फैंस का कनेक्शन भी। वैसे तो गाइस मार्वल की स्ट्रेटजी और उसके स्मार्ट वर्क को देखते हो तो यही लग रहा है कि एमसीयू का फेज 4 तो ऑसम ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये न्यूज़ आ रही है कि फेज 4 पूरा मल्टीवर्स पर बेस होने वाला है, उस तरह से तो लग रहा है कि फेज 4 पिछले फेज से कहीं ज़्यादा बड़ा और ऑसम होने वाला है। और अगर डिज्नी और फॉक्स की डील हो जाती है तो शायद फेज 4 एक ऐसा फेज होगा जो फैंस को हमेशा याद रहेगा। तो अब अगर आपको सुपर हीरो और फैंस के बीच में कनेक्शन पर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही, साथ ही साथ आपके और मेरे यानी सुपर हीरो नेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।